रण अब प्रचंड है, बल है बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच। जो चुनावी जो समीकरण है, साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से सब पार्टी अपनी बनाने में जुटी हुई है। हम पहुंचे हैं आशीर्वाद रिसोर्ट पर, जहां एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल पहुंचे हैं। बीजेपी समर्थक समर्थन के रूप में उन्होंने योगेश धामा के प्रचार के लिए जो पार्टी ने उन्हें निर्देश दिए थे, आकर अपने कार्यकर्ताओं से बैठक की है और तमाम लोगों से जो योगी मोदी योजनाएं जो जितनी तमाम या फिर जो राजनीति के तहत जिस तरीके से जो देश और प्रदेश की स्थिति है लोगों के सामने वो बातें रखी और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में जोश जुनून देखने को मिला। जिस तरीके से मोहित बेनीवाल ने एकजुट होकर और लोगों से प्रण किया कराया कि इस बार भी 2022 में भी मोदी योगी सरकार साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए, और कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश देखा गया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में सराहनीय है, क्योंकि सभी जो पार्टी के शीर्ष लीडर थे वो जनपद के यहाँ इकट्ठा हुए थे। योगेश धामा के समर्थन में ये प्रोग्राम किया गया था जिसमें साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से बैठक और उनसे चर्चा की गई है और जो चुनाव में जो रणनीति है वो भी तय करी गई है, क्योंकि अब 10 फरवरी में चुनाव मतदान डलना है, जिसको लेकर लोगों के बीच गाँव जाकर और कोविड-19 के जो नियम हैं उनके चलते और आचार संहिता का ध्यान रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं से बात की है। जनपद बागपत में बागपत छपरौली क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं की बैठक और साथ साथ एक बड़ी संख्या में आज अन्य दलों से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न समाजों के लोगों ने आज आकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उनकी सदस्यता के साथ साथ उन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विश्वास व्यक्त किया है। एक बड़ी संख्या में लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और सब लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ बागपत जनपद में पुणे विधानसभा में इस चुनाव में कमल खिलाने का संकल्प लिया है। इसके हेतु मेरा आज यहाँ लोगों के बीच में कांग्रेस से आए हैं, लोकदल से आए हैं, तो इन दलों के लोग आज छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। यह गठबंधन सही मायनों में गठबंधन है नहीं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस गठबंधन में बराबर की जो सहभागिता होती है वो गठबंधन दिख नहीं रही है, और इस गठबंधन के इन दलों के लोग ही बहुत निराश हैं। जिस जिले में जाओ इन गठबंधन के लोग उस निराशा के भाव के साथ वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में उनका विश्वास आया है, वह छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और साथ साथ जिस प्रकार से 2017-2019 में गठबंधन होने के बावजूद भी एक बड़ी जीत के साथ हम लोग अग्रसर हुए थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रथम चरण की सारी विधानसभाओं में एक अच्छा वातावरण है और निश्चित तौर पर एक प्रचंड जीत के साथ एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करने वाले हैं। जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जनपदों में या अन्य जनपदों में जो प्रचार के लिए जाते हैं तो उन पर हमले या विरोध या प्रदर्शन किए जाते हैं प्रचार के दौरान? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब लोग अपने अपने दलों के प्रचार के लिए गांव में जाते हैं, सभी को प्रचार करने का अधिकार भी है। उस लोकतंत्र में सभी दल अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो लोग अभी इधर उधर हैं वो भी समझ जाएंगे, वह मोदी जी योगी जी के विश्वास में, मोदी जी के विकास की यात्रा में उनका विश्वास है और निश्चित तौर पर भी वे हम लोगों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमने अभी पिछले एक हफ्ते में एक बड़ी संख्या में लोग इन दलों को छोड़ करके हमारे साथ आ रहे हैं, वह विश्वास की जीत है, उनको भी समझ आ जाए।